वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और बातों का सिलसिला तो हमारा चलता ही रहेगा. अभी हमारे पास है एक कॉल, तो कॉल लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है? कौन सा बात कर रहे हैं? कहाँ से? मैं मोहसिन बात कर रहा हूँ, कराची से. जी क्या कहना चाहेंगे? मैंने काशिफ भाई से थोड़ी सी बात करनी थी. जी जी फरमाइए. काशिफ भाई, मुझे ना आपसे बात करने का बहुत शौक था. जी शुक्रिया. और अभी मैंने टीवी ऑन किया तो आपको देखा. मैंने कहा चलो काशिफ भाई से बात करता हूँ. काशिफ भाई, मैंने आपसे बात करनी थी कि रमजान शरीफ जब शुरू होता है. जी जी. हेलो. जी जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात. हाँ जी. जब रमजान शरीफ शुरू होता है तो ये हम रोजे रखते हैं. जी जी. लेकिन हमारे घर पे लाइट नहीं होती. अच्छा. ये क्या वजह है? अच्छा ठीक है. इसके लिए भी बहुत शुक्रिया. मैं आपकी आपका सवाल समझ गया हूँ. इसके लिए भी हम जरूर इंतजार कर रहे हैं कि कोई उस तरह का बंदा है जिस तरह से हम ये वाला सवाल उससे पूछ सकें. लेकिन फिलहाल यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है. और हजरत अली का कॉल है कि जब जुल्म की इंतहा बढ़ती है ना तो फिर जालिम को जो है वो भागता है आगे आगे और मजलूम जो है वो उसके पीछे पीछे भागते हैं. तो मुझे लगता है कि वो वक्त जो है ना वो आने वाला है कि हमने उस जालिम के पीछे. और ये भी कहा है कि जालिम जुल्म बर्दाश्त करना जो है वो जालिम के हाथ मजबूत करना है. और अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैं उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब वो खुद अपनी हालत नहीं बदलना चाहते. अगर आपने 16 घंटे की लोड शेडिंग से निजात हासिल करनी है तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है हमने करना क्या है. हम वो कर नहीं रहे. ये जो है ना बेगम नासर साहिबा से पूछते हैं कि इसका कुछ अगर आप जवाब देना चाहें तो. सबसे पहली बात तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि जाहिर है ये मामलात जो हैं इनकी सही तौर पर एक जो है तंजीम बनाना और उसकी प्लानिंग करना ये तो शुरू दिन से होना चाहिए था. लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि अस्करियत और गसब ज़्यादा रहा है और जमहूरियत कम. जमहूरियत में तो जवाबदेही होती है और जिस वक्त यहाँ आमिर आते हैं और गासिब आते हैं वो तो अपनी मनमानी करते हैं और मनमानी करने वालों के लिए एक जो है प्रोग्राम उस पर अमल करना ज्यादा आसान होता है क्योंकि उन्होंने आपसे मुझसे तो पूछना नहीं. जमहूरियत में ये भी तो है कि हर एक की राय लेनी फारूक से. लेकिन ये राय नहीं जिन्होंने ली उन्होंने भी नहीं किया. अब जैसे ये कालाबाग डैम का मंसूबा था, अगर जियाउल हक बनाना चाहता वो बना सकता था, मुशरफ आया बनाना चाहता तो बना सकता था. क्या अमर माने था? कोई अमर माने नहीं था. इन्होंने अपने जो है ना कुवत को और ताकत को ज्यादा जोरावर बनाने के लिए तमाम कोशिशें की या अपने जो है वो बढ़ाने के लिए मफादात जैसे इन्होंने कहा है वो कोशिश की. लेकिन अगर मैं बात करूं नमाज की बात यमुना ने की कि क्या ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह ताला चाहता है कि हम उस वक्त उठें और नमाज पढ़ें और फिर सो जाएं और फिर अपने जो है कारा मनसबी वो बाद में जैसे भी करने हों. आप देखिए कि जो तरीक़ेकार कुरान में बताया गया है कि आप फजर की नमाज पढ़ें उसके बाद दिन हो जाता है. आप दिन अपना शुरू कर लें और जिस वक्त आप गर्मियां हैं दोपहर बहुत सख्त जोबन पे आई है तो जोहर की नमाज अगर 2 बजे आप अदा करें, छोटी सी आप ब्रेक रख लें और उसके बाद आप मगरिब तक जो काम है आप कर लें. इशा की नमाज पढ़ेंगे अंधेरा हो जाएगा आप सो जाइए. पर हमने ये मामूल नहीं बनाया हुआ. आप यहाँ हमारे देखें कि बच्चों का खास तौर पे और बड़े भी आजकल एक तो ये जो है ना केबल सिस्टम इसने बहुत मसला शुरू कर दिया. जिस वक्त इशा की नमाज अदा हो जाती है तो बजाय इसके कि आप कोई इबादत करें या आप उस वक्त सो जाएं और फिर उठ के कोई तहज्जुद की तैयारी करें या फजर की या अपना रोजे की तैयारी करें उस वक्त लोग देखना शुरू कर देते अच्छा, हैं डिश वगैरह तो हमारी एनर्जी जो है उसमें पावर है वो सारी तो उस वक्त इस्तेमाल हो जाती है. अगर हम अपने जो है औकात उनको निजाम नमाज के साथ मुंसलिक करके रखें तो फिर हमारी कम से कम जो है ना वो इस्तेमाल होगी पावर और लोड शेडिंग जो है उसकी जरूरत ही पेश नहीं आएगी. अब ये गर्मी के तो बात कुछ और है कि गर्मी के मौसम में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है. लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि ये बतियां जलाना और इनको जलते रखना और बड़ी बड़ी रोशनियां करना इससे बहुत ज्यादा
इस्तेमाल होता है और इंडस्ट्री तो हमारी बैठी है कि उनको मिलती नहीं। मैं कभी देखूँ ना तो स्ट्रीट लाइट्स जो होती है ना वो वैसे ही जल रही होती है दिन के वक्त, और देख के इतना अफसोस होता है कि जब हम रात को अंधेरे में बैठे होते हैं ना तो दिन को क्यों जल। अगर हमने उनकी बात ना मानी तो ये लाइट भी वो ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो अब अपने इख्तिताम तक है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, यकीनन एक लंबी नशस्त होनी चाहिए थी क्योंकि बातें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वक्त बहुत के बारे में तो बात अब हुई नहीं, लेकिन अब वक्त भी खत्म हो गया है। लेकिन जितनी भी बात हुई बड़ी मुफीद और तो अच्छी, हम आपको इंशाल्लाह कल दोबारा जमा देंगे। अब अगर आप तशरीफ लाएं तो आप दोनों की बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। तो ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त हम सफ़र मोहम्मद हमारा प्रोग्राम है जो स्पेशली तरतीब दिया गया है रमज़ान के हवाले से, उसका वक्त जो है वो हुआ चाहता है। तो वो मैसेज हमारा फिर वही है कि अपना और अपने रोज़ों का बहुत ख्याल रखिए, और अल्लाह महज़ूस पाक की एक सुन्नत मुबारका है कि अगर ताजर जो है अपनी तजारत ईमानदारी से करेगा तो रोज़े क़यामत जो है वो नबियों, सदीकों और शहीदों के साथ होगा, ईमानदारी से करेगा। और आज ताजरों की ईमानदारी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो प्लीज़ अपने रोज़ों का ज़रूर ख्याल रखिए। इस प्रोग्राम के बाद फिर आपसे मिलते हैं।